हेलो दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा। ये फ़ोन जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा फ़ोन का रिव्यू आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते इस मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा की तरफ। सबसे पहले इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलता है और इस फ़ोन में 8 GB की रैम दी गई है। अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिस्प्ले की। इस फ़ोन में हमें 6.9 इंचेस की OLED डिस्प्ले दी गई है और इस फ़ोन में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। फ़ोन में दोस्तों बेजल लेस बहुत पतले दिए हैं और इसमें पंच होल डिस्प्ले भी दी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा के रियर कैमरा की तरफ। इस फ़ोन में दोस्तों डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें दोस्तों 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और इसमें LED फ्लैश लाइट दी गई है दोस्तों। और इस मोबाइल के कैमरा से आप 40-30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा के बारे में। इस मोबाइल के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मोबाइल की बैटरी की। मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा में हमें 3800 mAh की बैटरी दी गई है। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए 30W टर्बो पावर चार्जर दिया है दोस्तों और इस मोबाइल में USB टाइप सी पोर्ट दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा की स्टोरेज के बारे में। इस मोबाइल में हमें 8 GB की रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है और आप इसे एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। और दोस्तों मैंने यहाँ पे मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा के बारे में बताया हूँ, आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ ऐसे ही नई टेक न्यूज के साथ रोशन टेक, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.